हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो सेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं चरक शपथ के बारे में। अभी हाल कुछ दिनों पहले मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया ने ये सजेशन दिया था मेडिकल कॉलेजेस को कि कॉलेजेस में जो अंडर ग्रेजुएट्स, जो ग्रेजुएट कंप्लीशन कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उन्हें हिप्पोक्रेटिक ओथ की जगह चरक शपथ दिलाए जाए। तो बेसिकली इसके कारण ये मैटर काफी कॉन्ट्रोवर्सियल हो गया। कुछ डॉक्टर्स ने इसे सपोर्ट किया है, उनका मानना है कि वी शुड ब्रिंग मोर इंडियन एलिमेंट्स इन द मेडिकल एजुकेशन, बट वहीं पे कुछ और लोगों का कहना है कि परहैप्स दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। किसी एक हिप्पोक्रेटिक ओथ जो वर्ल्ड लेवल पे एक्सेप्टेबल है उसे रिप्लेस करना शायद अच्छा नहीं है। अगर आप यूपीएससी 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ओनली आईएएस लेकर आए हैं आपके लिए प्रारंभ कोर्स। इस कोर्स में आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस दी जाएगी। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल के साथ साथ मेंटोरशिप भी मिलेगी। यह कोर्स 28 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है और अगर आप इससे पहले ज्वाइन करते हैं तो आपको अर्ली बर्ड में 5% का डिस्काउंट, और अगर आप ओनली आईएएस के पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप 28 फरवरी से पहले ज्वाइन करते हैं तो आपको 8 डेज की मेंटोरशिप मिलेगी ऑन मेंटल स्ट्रेंथ एक्सरसाइज। तो इस कोर्स से रिलेटेड ज्यादा जानकारी के लिए या फिर सैंपल लेक्चर्स देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं video.onlyis.in और यू कैन मेल अस एट info@onlyis.com। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये इशू है क्या। Then we are going to talk about what is this Hippocratic Oath, what is Charak Shapath, Hippocrates कौन थे और महर्षि चरक कौन थे। इसके बाद हम बात करेंगे क्या इंडिया में चरक के अलावा मेडिकल फील्ड में कोई और इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर रहे हैं। Then एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हम बात करेंगे वो है इस नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में। अगर एक चीज आप इस वीडियो में स्टार्टिंग में ही जान ले जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन मुद्दों से रिलेटेड, वो बेसिकली प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। जो एंशिएंट फिगर्स हैं चरक और जो मेडिकल जो फिजिशियंस रहे हैं या जो जिन्होंने एंशिएंट इंडिया में काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है मेडिकल फील्ड में, उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चरक संहिता किस बारे में थी या इससे रिलेटेड कोई और ट्रीटीज, कोई और बुक है जिसमें और कुछ बताया गया है मेडिकल फील्ड के बारे में या किसी और चीज के बारे में। देन आपको नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में भी पूछा जा सकता है कि ये बॉडी क्या है, इसका फंक्शन क्या है, कौन से एक्ट के अंदर इसे एस्टैब्लिश किया गया है। देन इसी वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि क्या ये जो चरक शपथ है ये किसी इंस्टीट्यूशन में इंडिया में आज के डेट में यूज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। देन हम एक और बॉडी के बारे में बात करेंगे जो टाइम टू टाइम न्यूज में रहती है, एंड दैट इज योर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। बट आगे बढ़ने से पहले आज का क्वेश्चन है आपके लिए, इंडिया में किसे फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ सर्जरी इन इंडिया, बट अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिए। आगे बढ़ते हैं, वॉट इज दिस इश्यू एक्चुअली। बेसिकली अभी नेशनल मेडिकल कमीशन ने मेडिकल कॉलेज को सजेस्ट किया था कि जो ट्रेडिशनल हिप्पोक्रेटिक ओथ है उसे रिप्लेस किया जाए चरक शपथ के बद से। तो बेसिकली हिप्पोक्रेटिक ओथ एक एथिकल कोड है जो फ्रेश मेडिकल ग्रेजुएट्स, जो जब भी वो उनका ग्रेजुएशन सेरेमनी होगा तो उसमें वो एक ओथ लेते हैं एंड उसी ओथ को हिप्पोक्रेटिक ओथ कहा जाता है। एंड ऐसा माना जाता है कि ये एंशिएंट ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स के द्वारा कंपाइल किया गया है। अब इसे लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी है जिसे हम आगे देखेंगे कि क्या ये बेसिकली हिप्पोक्रेट के द्वारा ही किया गया था या किसी और का भी कॉन्ट्रीब्यूशन था इसमें। बट उसके पहले हम ये भी देखना चाहेंगे कि वॉट इज दिस चरक शपथ। चरक शपथ वैसे ही चरक संहिता जो एक बुकलेट है, जो एक इंडियन मेडिकल, जो इंडियन मेडिसिन है उसका एक इंसाइक्लोपीडिया की तरह है, इंडियन मेडिसिन का एक कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट है, उसमें मेंशन किया गया है ये चरक शपथ। और
इसके जो कंपाइलर हैं, ये जिन्होंने दिया है महर्षि चरक, वो एक अर्ली एक्सपर्ट थे आयुर्वेद के फील्ड में। जो ट्रेडिशनल सिस्टम है इंडियन मेडिसिन का, आयुर्वेद, उसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर रहे हैं। अब जो कॉन्ट्रोवर्सी है वो ये भी है कि अगर चरक शपथ आयुर्वेद से रिलेटेड है तो जो वेस्टर्न मेडिसिन है या जो मॉडर्न मेडिसिन है उसमें क्यों इसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। बट इस कॉन्ट्रोवर्सी में हमें उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देखनी है जितना हमें इन चीजों में देखना है कि हिपोक्रेट्स कौन थे, चरक कौन थे, उनकी जो बुकलेट है, उनकी जो कंपाइलेशन है चरक संहिता या जो हिपोक्रेट्स की कंपाइलेशन है कॉर्पस ऑफ हिपोक्रेटिकम, वो क्या है, वो किन चीजों के बारे में है। अब हम बात करते हैं हिपोक्रेट्स के बारे में। हिपोक्रेट्स इज बेसिकली नोन एज द फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन और उनका जो लाइफ टाइम है वो माना जाता है 4th to 5th century BC के बीच में। ऐसा माना जाता है कि ही माइट हैव असेंबल्ड द कॉर्पस हिपोक्रेटिकम। ये जो कॉर्पस हिपोक्रेटिकम है वो एक कलेक्शन ऑफ 70 बुक्स है मेडिसिन पे। तो अब कॉन्ट्रोवर्सी ये भी है कि क्या कोई एक पर्सन अपने लाइफ टाइम में 70 बुक्स को ऑथर कर सकता है। तो कई बार ये भी माना जाता है कि जो कॉर्पस हिपोक्रेटिकम है वो सिर्फ हिपोक्रेट्स नहीं बल्कि उनके पहले के जो फिजिशियन रहे हैं उनके भी वर्क का कंपाइलेशन है और उसके बाद में भी उसमें कुछ एडिशन हुए हैं। नाउ हिपोक्रेट क्यों नाम दिया गया? बेसिकली इसको कॉर्पस हिपोक्रेटिकम या हिपोक्रेटिक ओथ इसलिए नाम दिया गया क्योंकि जो हिपोक्रेट थे उन्हें अपने फील्ड में, मेडिकल फील्ड में एथिक्स के लिए काफी रेस्पेक्ट दिया जाता था। उनकी जो एथिकल प्रैक्टिसेस थी उसके लिए वो हाईली रेस्पेक्टेबल फिगर थे और यही कारण है कि हिपोक्रेटिक ओथ या जो कॉर्पस ऑफ हिपोक्रेटिकम है उनके नाम पे दिया गया है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये प्लेटो के कंटेम्पररी थे, प्लेटो और सोक्रेट्स इनके कंटेम्पररी थे हिपोक्रेट्स और प्लेटो के राइटिंग्स में भी इनका मेंशन किया गया है। नाउ अगर हम बात करें चरक के बारे में, महर्षि चरक, ही इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड इनके बहुत सारे एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ही वॉज फिजिशियन एट द कोर्ट ऑफ एम्पायर कनिष्का इन 1st century AD। बट ये भी एक कॉन्ट्रोवर्सियल बात है क्योंकि कई जगह पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि हिज लाइफ टाइम इज एसर्टेन अराउंड 2nd century BC। तो इसे एक्चुअल लाइफ टाइम एसर्टेन कर पाना बहुत ही मुश्किल है, बट रफली अराउंड 2nd century to 1st century माना जाता है। अब अगर हम बात करें चरक की तो ऐसा बोला जाता है कि ही हैज कंपोज्ड चरक संहिता और ये जो चरक संहिता है ये बेसिकली एक कमेंट्री और डिस्कशन है मेडिकल प्रैक्टिसेस पे जो 1st and 2nd century AD में इंडिया में प्रिवेलेंट थी। इसके साथ साथ ये भी माना जाता है कि चरक संहिता में बहुत सारी जो डिस्कशंस है, कमेंट्रीज हैं, वो ड्रॉ की गई हैं, वो इंस्पायर्ड हैं योगा एंड मिस्टिसिज्म से। देन जब इंडिया से बुद्धिज्म स्प्रेड करना स्टार्ट हुआ, जब बुद्धिज्म का ग्रोथ हुआ और जब ये स्प्रेड करना स्टार्ट हुआ दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में, तो अगेन और साथ ही साथ क्रिश्चियन मिशनरीज भी इंडिया आए तो इनके साथ साथ जो ये चरक संहिता थी वो भी पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे स्प्रेड होने लगी। साथ ही जो हेलेनिक प्रैक्टिशनर्स थे मेडिसिन के, ग्रीक वाले, उनके साथ भी कॉन्टेक्ट से चरक संहिता वर्ल्ड में स्प्रेड होना स्टार्ट हुई थी। नाउ आप ये इमेज जो देख रहे हैं वो बेसिकली एक इमेज है कॉर्पस हिपोक्रेटिकम की और जो हिपोक्रेटिक ओथ है उसकी। तो इसे डिसाइफर कर पाना काफी मुश्किल है। जो ओरिजिनल कंटेंट था वो भी एसर्टेन कर पाना काफी मुश्किल है। और एक बात साथ में ये भी जानना जरूरी है कि जो हम हिपोक्रेटिक ओथ की बात करते हैं वो ओरिजिनल जो उस टाइम का जो हिपोक्रेटिक ओथ था वो सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। उसमें काफी अमेंडमेंट्स हुए और वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने जो फाइनली 1950s के बिगिनिंग में जो एक कंपाइलेशन किया था उसी ओथ को मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया जाता है। फ्रेश मेडिकल ग्रेजुएट्स को ओथ सेरेमनी में ये शपथ दिलाने के लिए। नाउ
आगे हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं चरक संहिता के बारे में, क्योंकि ये वो एरिया है जहां से आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो बेसिकली चरक संहिता एक इंसाइक्लोपीडिया है इंडियन मेडिसिन का। इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ फीवर, लेप्रोसी, हिस्टेरिया और ट्यूबरक्लोसिस के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। साथ ही साथ इसमें मेडिसिन के अलावा बहुत सारे प्लांट्स और हर्ब्स का भी नाम बताया गया है जिनसे मेडिसिन को प्रिपेयर किया जा सकता है। इवन उनका प्रिपरेशन का अमाउंट किस तरीके से होगा, इस पे भी चरक संहिता में डिटेल में डिस्कस किया गया है। साथ ही साथ चरक संहिता का जो एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट रहा है वो ये है कि टॉक्स अबाउट वेलफेयर ऑफ काउज एंड ब्राह्मण्स, तो कई बार ये बोला जाता है कि इट प्रमोट्स कास्टिसिज्म। तो कई लोगों का ये मानना है कि इससे जो हमारी पुरानी जो संस्कृति है, जो हमारा पुराना जो वर्नाकुलर सिस्टम है वो प्रमोट होता है। सो अगेन दिस इज समथिंग विच इज वेरी कॉन्ट्रोवर्सियल। अब एक चीज और मानने वाली है कि ये जरूर इम्फेसाइज करता है फिजिशियन को हर दिन प्रे करने के लिए फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल बीइंग्स, और उसमें किसी एक पर्टिकुलर ब्राह्मण्स या किसी और के बारे में नहीं, बल्कि पूरे ह्यूमैनिटी के लिए बात की गई है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमें जाननी चाहिए चरक के बारे में, ही हैज ऑल्सो टोल्ड दैट ह्यूमन बॉडी हैज 360 बोन्स। सो ऑब्वियसली ये एक लार्जर नंबर है देन कंपेयर टू द एक्चुअल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, बट उस टाइम में उन्होंने कैलकुलेशन के लिए इसमें जो टीथ, जॉइंट्स और कार्टिलेज है उन्हें भी काउंट किया था। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट स्टिल ही वॉज डूइंग समथिंग इन मेडिसिन एंड रिसर्च एट दैट टाइम। ओके, सो ये कुछ बातें थी चरक संहिता के बारे में। अब आपसे मैंने स्टार्टिंग में पूछा था क्या इंडिया में फादर ऑफ सर्जरी किसे बोला जाता है। महर्षि चरक को फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन बोला जाता है, बट फादर ऑफ इंडियन सर्जरी बोला जाता है महर्षि सुश्रुता को। एंड बेसिकली महर्षि सुश्रुता ने भी एक सुश्रुता संहिता लिखी थी जो बेसिकली सर्जरी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया की तरह है। एंड इसमें कैटरैक्ट, स्टोन डिजीज और बहुत सारी अन प्रॉब्लम्स को ऑपरेट करने का तरीका बताया गया है। साथ ही साथ जो ये सुश्रुता संहिता है इसमें 121 टूल्स बताए गए हैं जो सर्जरी में यूज किए जाते हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और बहुत ही जो मॉडर्न थिंकिंग वाली चीज है जो सुश्रुता संहिता में मेंशन है, महर्षि सुश्रुता ने इसमें इम्फेसिस दिया था डाइट और क्लीननेस पे। तो स्पेशल स्ट्रेस जो उन्होंने दिया था डाइट और क्लीनलीनेस पे, ये अभी भी प्रैक्टिस में लाया जाता है और ये एक बेसिक चीजें हैं जो मेडिकल प्रोफेशन में अभी भी यूज की जाती है। देन जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, हमने चरक शपथ, हिपोक्रेट ओथ, हिपोक्रेट, सुश्रुता और हमने महर्षि चरक के बारे में भी बात कर ली। अब जो हमें इंपॉर्टेंट चीज देखनी है वो है नेशनल मेडिकल कमीशन, ये बॉडी जिसने रेकमेंड किया था, ये बॉडी आखिर है क्या। बेसिकली इसने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया था। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया 1934 में फॉर्म हुई थी एंड वापस जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो 1956 में रिकॉन्स्टिट्यूट की गई थी। तो अब नेशनल मेडिकल कमीशन को रिप्लेस किया गया है, सॉरी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया गया है नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा एंड इसे एस्टैब्लिश किया गया है नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के द्वारा। साथ ही साथ ये जो बॉडी है नेशनल मेडिकल कमीशन, इसका ऑब्जेक्टिव है टू ओवरसी मेडिकल एजुकेशन एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स इन इंडिया। एंड अगर हम इसके रोल की बात करें, इसके अंदर में काफी सारी ऑटोनोमस बॉडीज भी हैं जो अंडर ग्रेजुएट पीजी लेवल पे जो एजुकेशन है उन्हें रेगुलेट करती है, एथिक्स को भी देखती है, बट हमें इतने डिटेल में देखने की कोई जरूरत नहीं है। वी हैव टू सिंपली सी व्हाट इज इट्स रोल। तो एक जो पहला रोल है इसका, और हम लोग इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट रोल्स की बात कर रहे हैं, तो पहला जो इंपॉर्टेंट रोल है वो ये है कि मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए पॉलिसीज बनाना। साथ ही साथ
जो ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत है और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है हेल्थ केयर में, इसके रिक्वायरमेंट को असेस करने का भी काम नेशनल मेडिकल कमीशन का है। इसके साथ ही साथ जो न्यू नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट बना है उसके प्रोविजंस का कंप्लायंस कराने का जो काम है, जो स्टेट मेडिकल काउंसिल्स उसके से कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं ये इंश्योर कराने का भी काम नेशनल मेडिकल कमीशन का है। साथ ही साथ जो प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो 50% ऑफ द सीट्स हैं उनकी फी को डिटरमाइन करने के लिए गाइडलाइंस बनाने का भी काम नेशनल मेडिकल कमीशन का है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स हैं नेशनल मेडिकल कमीशन का जिसे आपको जानना जरूरी है। अब बात करते हैं क्या ये चरक ओथ, जो चरक शपथ है, क्या वो कहीं पे इंडिया में प्रैक्टिस में है? द आंसर इज यस। एम्स दिल्ली में और भी बहुत सारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में, उनमें ये चरक शपथ ऑलरेडी प्रैक्टिस में है और एम्स दिल्ली में पिछले कुछ सालों से चरक ओथ को लगातार जो फ्रेश मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनके स्वेरिंग इन सेरेमनी में चरक शपथ को ही दिया जाता है इंस्टेड ऑफ हिपोक्रेटिक ओथ। तो बेसिकली जो एम्स का जो चरक शपथ है वो इस तरीके से है, नॉट फॉर द सेल्फ, नॉट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ एनी वर्ल्डली मटेरियल डिजायर और गेन, बट सोलली फॉर द गुड ऑफ सफरिंग ह्यूमैनिटी आई विल ट्रीट माई पेशेंट्स एंड एक्सेल वेल। सो यू कैन सी वॉट इज द चरक शपथ विच इज यूज इन एम्स। अब एक जो इंपॉर्टेंट बॉडी बच गई है वो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। तो बेसिकली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक वॉलंटरली ऑर्गेनाइजेशन है और एक सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। जो डॉक्टर्स हैं उनका एक वॉलंटरली ऑर्गेनाइजेशन है, और कौन से डॉक्टर्स? जो मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को प्रैक्टिस करते हैं उनकी एक रिप्रेजेंटेटिव वॉलंटरली ऑर्गेनाइजेशन है जो डॉक्टर्स के इंटरेस्ट और कम्युनिटी के वेलबींग को देखती है। तो आज के डिस्कशन में हमने बात किया चरक शपथ, हिपोक्रेटिक ओथ एंड इससे रिलेटेड टर्म्स पे। अगले वीडियो में हम फिर बात करेंगे कुछ और करंट अफेयर्स पे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।